अपर आयुक्त प्रशासन केवी सिंह की अध्यक्षता में जीआई उत्पादों के पंजीयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन केवी सिंह ने कहा कि जीआई पंजीयन क्षेत्र विशेष के विशिष्ट भौगोलिक गुण के उत्पाद जींस विशेष के दीर्घकालीन उत्पत्ति स्थान पर उत्पादित होने वाले उत्पाद का पंजीयन किया जाता है। इसके अलावा जीआई टैग प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र एफपीओ एफपीसी उत्पादक द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों एवं संस्थाओं तथा कृषि विश्वविद्यालय ICAR संस्थानों APD इत्यादि को GI प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने वाले एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पद्यान जो कि गोरखपुर से यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ है निदेशालय पर, परीक्षण वहां किया जा रहा था। हो सकता है पद्यान फल जो यहाँ का गोरखपुर का एक इंडिजीनियस चीज है, यहाँ पर एक नई चीज है यहाँ पर, तो चूंकि हमारे किसी राष्ट्रीय पटल पर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे किसी नीति के उद्देश्यों में भी GI टैग के संबंध में पंजीकरण कराने में प्रमुख रूप से, जिससे कि उसकी विशिष्टता को स्थापित किया जा सके। और इसके अभी करवा रहा है तो कोई संस्था जो है GIST के लिए अपना आवेदन कर सकती है। और इसके साथ साथ जो है जनपद स्तर पर जो हमारे कृषि विभाग या उद्यान विभाग के जो उच्चतम अधिकारी होंगे, इसके फैसिलिटेटर कहे जाएंगे। इसमें हमारे तरफ से डॉक्टर रजनी खान साहब का जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं कहता हूं कि इसका सहयोग प्राप्त नहीं हुआ होता तो हो सकता है हम जितनी तेजी से GI कराने में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं, तो संभव नहीं था। और सर का काफी सहयोग प्राप्त हुआ है निदेशालय को, जिसके कारण आज हम लोग 48 की संख्या तक पहुंच गए हैं। इसमें सर जो फंड की जरूरत पड़ती है मंडी परिषद और CSR फंड और लाभार्थी भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जो